हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्रेजल वर्ब का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कैसे लगा, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि प्यारे बच्चों, मैं टाइम टू टाइम ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ और बनाता रहूँगा, तो उसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलना भी ज़रूरी है, तो बिना बेल आइकन के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगी। प्यारे बच्चों, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जितने भी फ्रेजल वर्ब बनाए हैं वो, और जो आज मैं वीडियो बनाने चल रहा हूँ और एक दो वीडियोज़ और बनाऊँगा बच्चों, वो सब पिछले कुछ दिनों में, जो पिछले कुछ सालों में प्रीवियस ईयर्स ऑफ एसएससी के जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, वही हमने उनको कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी पहल की है। तो बच्चों, कैसा लगेगा और कैसा है रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे ही हमारा फ्रेजल वर्ब समाप्त होगा, मैं 2016 या 2019 से जितने भी हमारे एसएससी में हो, चाहे वो स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, है ना, जितने भी हमारे एसएससी में एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे गए हैं विथ ऑप्शन, उनके जितने भी वर्ड आए हैं उन वर्डों को मैं एक जगह पर ला करके आपको एक दो वीडियो के माध्यम से एक एक साल का दूंगा। तो प्लीज़, अगर वो आपको अच्छा लगा, जैसे हमारी ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद वो वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने आज के दूसरे वीडियोज़ में, देखते हैं क्या कुछ खास है। देखिए भाई, चलिए देखिए बच्चों, जैसे हमारा पहला वर्ड है कैरी, पहला वर्ड है कैरी, ठीक है बच्चों। कैरी में वैसे होता है ले जाना, क्या होता है बच्चों, ले जाना, लेकिन इनको जब हम फ्रेज के साथ यूज करते हैं तो ज़रा इनका यूज़ देखिए कैसे होता है, कैसे इनका यूज करते हैं। कैरी अवे क्या होता है बच्चों, कैरी अवे, और कैरी ऑफ दूसरा वर्ड है, कैरी ऑफ, कैरी आउट और कैरी थ्रो, कैरी ऑफ, कैरी आउट, कैरी थ्रो, कैरी ऑन, कैरी थ्रो, ठीक बच्चों। ये वही वर्ड हैं, देखिए आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये सारे वर्ड हमेशा एसएससी के प्री वर्ड हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। कैरी अवे मीन्स होता है बच्चों हटाना, क्या होता है, रिमूव करना, क्या होता है बच्चों, रिमूव करना, जिसको हम कहते हैं हटाना या ले जाना, हटाना या ले जाना, ठीक। ज़रा कैरी ऑफ मिस क्या होता है बच्चों, देखिए कैरी ऑफ मिस भी होता है, ये होता है जीतना, कैरी ऑफ मिस मारना या जीतना, ठीक। टू किल, जिसको हम कहते हैं टू किल या टू विन, ठीक बच्चों। अच्छे से नोट करते रहिएगा और एक एक वर्ड समझते चलिएगा। कैरी आउट क्या होता है बच्चों, कैरी आउट होता है हमारा ओबे, क्या होता है, ओबे, ठीक, मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ठीक। और कैरी ऑन कंटिन्यू होता है भाई, ये तो जानते ही होंगे, कंटिन्यू जारी रखना,
जारी रखना और कैरी थ्रू होता है बच्चों, सुरक्षित निकलना किसी जगह से, सुरक्षित निकलना। ठीक, ये अब जरा इनको हम एग्जांपल समझते हैं कैसे इनका यूज कहाँ कहाँ कैसे होता है। कैरी आउट, कैरी अवे, ले जाना हटाना जैसे एग्जांपल होता है। देखिए, द विलेजर्स, द विलेजर्स विलेजर कैरीड अवे, कैरीड अवे, कैरीड अवे द द लूटेड, लूटेड क्या, द लूटेड प्रॉपर्टी, द लूटेड प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रामीण जो है विलेजर से हो, कुछ भी ले सकते, हो सकता है उस विलेज में डाकू हो पूरा, वो लेके गए। कैरीड अवे द लूटेड प्रॉपर्टी। अब कैरी ऑफ, टू किल, टू विन, जरा इनको हम बाद में एग्जांपल समझ लेते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। कैरी आउट, कैरी आउट क्या होता है बच्चों, आज्ञा का पालन करना। क्या होता है बच्चों, आज्ञा का पालन करना। जैसे एग्जांपल से, राम राम कैरीज आउट हिज पेरेंट्स, राम अपने माता पिता का, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। ठीक बच्चों, अ कैरी ऑन कंटिन्यू, जारी रखना। अब कैरी थ्रू क्या होता है ये ज़रा देख लीजिए, कैरी थ्रू होता है सुरक्षित निकलना। ज़रा इनको एग्जांपल समझते हैं, कैरीज थ्रू, कैरीज थ्रू का एग्जांपल समझिए। देखिए बच्चों, एग्जांपल जैसे बता दें, कवरेज, जो साहसी लोग होते हैं, कवरेज है ना, कवरेज मीन्स क्या होता है बच्चों, साहसी, कवरेज है ना, साहसी होता है ना। कैरीज, CARRIES, कैरीज अस थ्रू डिफिकल्टीज, यानी कि जो साहसी लोग होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं या जो बहादुर लोग होते हैं, वो क्या किए हैं, कैरीज थ्रू उनको सुरक्षित निकालते हैं। ठीक, जैसे किसी आपदा आ गई या कहीं कुछ हो गया तो फंसे हुए लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालते हैं, कैरी थ्रो। जरा नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, कैरी ऑफ देख लीजिए, कैरी ऑफ, चलिए देखिए बच्चों, कैरी ऑफ का एग्जांपल से समझ लीजिए। कैरी ऑफ होता क्या है, कैरी ऑफ हमारा दो वर्ड है, मारना या जीतना। पहला समझिए एग्जांपल्स इनको, मारना कैसे, टू किल, मैनी पीपल्स है ना, मैनी पीपल, मैनी पीपल वर, मैनी पीपल वर कैरीड, कैरीड अब कैरीड ऑफ बाई प्लेग, यानी बहुत से लोग महामारी से मारे गए थे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जीतना का, ही कैरीड ऑफ, कैरीड ऑफ मैनी प्राइज। नोट करिए बच्चों इनको, नोट करिए इनको, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनको मैं इरेज करता हूँ।
नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्ट, CAST, कास्ट। ज़रा इनको समझिए, कास्ट होता क्या है। कास्ट एसाइड, कास्ट एसाइड, कास्ट अवे, अवे, कास्ट डाउन। ठीक, कास्ट एसाइड होता है बच्चों बेकार समझकर फेंकना। क्या होता है? किसी चीज़ को फेंकना, एबंडन जिसको कहते हैं, बेकार समझकर फेंकना, बेकार समझकर फेंकना। ठीक, और कास्ट अवे होता है बच्चों, ये भी होता है फेंकना। अभी अंतर समझाता हूँ इनको। ठीक, और कास्ट डाउन क्या होता है? डिजेक्टेड। क्या होता है? निराशा या निराश मुद्रा में होना, निराश मुद्रा में होना। ठीक, चलिए देखिए इनका एग्जांपल समझिए, ज़रा एग्जांपल समझिए बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको समझते रहिए। ही कास्ट असाइड, एग्जांपल, ही कास्ट असाइड, ही कास्ट असाइड हिज ओल्ड क्लॉथ्स। ठीक, वह अपने पुराने कपड़ों को फेंक दिया है या बेकार समझकर फेंक दिया। अब कास्ट अवे देखिए जरा बच्चों, टू थ्रो, टू थ्रो है ना, ये फेंकना क्या हो गया बच्चों? जैसे कि शिप वगैरह होती नहीं है, जब ओवरलोड हो जाता है या सामान कोई चीज़ ओवरलोड हो जाता है तब उसको फेंकने के सेंस में कास्ट अवे आता है। देखिए बच्चों एग्जांपल, आवर शिप्स, आवर शिप वाज, आवर शिप वाज कास्ट अवे, कास्ट अवे ऑन, आवर शिप वाज कास्ट अवे ऑन एन आइसलैंड, आइसलैंड बाय द स्टॉर्म, बाय द स्टॉर्म, है ना बच्चों। या मैंने कहा जैसे शिप वगैरह है जब सामान से भर जाती है तब उसमें से सामान को फेंकना, या फिर जैसे हवाएं तेज चलती हैं उनके माध्यम से, हम उनके माध्यम से जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो अपने साथ किसी चीज़ को या किसी भी वस्तु को बहा ले जाती हैं, उड़ा ले जाती हैं, तो उसके सेंस में कास्ट अवे आता है। ठीक, नोट करिए इनको। ठीक, अब ज़रा इसको नोट करिए, डाउन, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन निराशा, समझ रहे हैं है ना। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम। क्या है? कम, ज़रा देखिए कम, कम का कितने वर्ड हैं हम ज़रा लिखते हैं, अबाउट, क्या है बच्चों? अबाउट, अक्रॉस, अबाउट, अक्रॉस और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ऑन, आउट, आउट, आउट और यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑफ। ठीक है भाई, ज़रा देखिए अब इनके अंतर को समझिए, ज़रा इनमें कैसे क्या है। देखिए इनमें कैसे क्या है, ज़रा समझिए। कम अबाउट मिस होता है हैपन, क्या होता है बच्चों? हैपन, घटित होना, क्या होता है? घटित होना। ठीक है,
और जरा कम एक क्रॉस होता है मीट बाई चांस, टू मीट बाई चांस, जिसको कहते हैं अचानक मिलना। क्या होता है? अचानक मिलना। ठीक है बच्चों, कम फॉरवर्ड होता है प्रस्तुत करना, अपने आप को प्रस्तुत करना। कम फॉरवर्ड क्या होता है बच्चों? टू प्रेजेंट वन सेल्फ, टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट वन सेल्फ, जिसको हम कहते हैं प्रस्तुत करना, अपने को प्रस्तुत करना, ये होता है टू प्रेजेंट वन सेल्फ। कम फॉरवर्ड, कम ऑन, टू फॉलो होता है बच्चों। जब देखिए हमेशा सेना होना के कमांडर जो हैं कम ऑन चिल्लाते रहते हैं, पीछा करना या पीछे पीछे चलना। ठीक है भाई, कम आउट, कम आउट इमर्ज होता है। क्या होता है? इमर्ज, उत्पन्न होना। क्या होता है? टू इमर्ज, टू इमर्ज या बी आउट, जिसको हम कहते हैं निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, उत्पन्न होना या प्रकट होना, प्रकट होना। ठीक, ये ठीक है बच्चों, नोट करते रहिए। अब कम ऑफ क्या होता है? कम ऑफ होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग टू, जैसे धनी परिवार से संबंधित होना है, गरीब परिवार से संबंधित होना है ना, किसी व्यक्ति को जो एक दूसरे से संबंध होना वो कम ऑफ कहलाता है। जरा इसको हम समझ लेते हैं, ही बिलोंग्स टू, एग्जांपल से, ही बिलोंग्स belongs of the rich family, belongs of the rich family। ठीक है बच्चों, अब कम आउट क्या होता है? जैसे सच्चाई बाहर निकलना है ना, सच्चाई बाहर निकलना, कि एट लीस्ट द ट्रूथ इज कम आउट, एट लीस्ट द ट्रूथ इज कम आउट, अंततः जो है सच्चाई बाहर आ ही गई है ना। कम ऑन, पीछे पीछे चलना है ना, कम ऑन पीछे पीछे चलना। कम फॉरवर्ड, अपने आप को जैसे प्रस्तुत करने का मतलब है, जब कोई कम्युनिटी होती है उसमें जब एक मत होता है, फिर उसके बाद जब पूछा जाता है कि हाँ इस मत में कौन सबसे पहले आगे आना चाहता है, तो जब वो कोई आगे आता है तो होता है कम फॉरवर्ड, आगे आना। ठीक, और ज़रा कम अक्रॉस क्या होता है भाई? जैसे अचानक कोई चीज़ मिला, या जैसे मैं जा रहा था, मार्केट जा रहा था, तो अचानक मेरे फ्रेंड मिल गए है ना, तो वो चीज़ अचानक मिलना कम अक्रॉस होता है। कम अबाउट मिस हैपन, घटित होना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, चलिए इनको मैं इरेज करता हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डू। क्या है? डू। अब डू में कौन कौन से वर्ड हैं जरा इनको देखिए, डू में हमारे कौन कौन से वर्ड हैं? डू में अवे विथ होता है, इनके सब के साथ डू लगा रहेगा भाई, अवे विथ है ना, डू अवे विथ, और डू अवे विथ, और डू विथ, डू अवे विथ, और डू विथ, और कौन सा? डू विदाउट।
डू विदाउट। अब ज़रा समझिए इनका यूज कैसे कहाँ करते हैं। समझिए बच्चों, डू अवे विथ क्या होता है, डू अवे विथ एबोलिश, ए बी ओ एल आई एस एच, एबोलिश, ये क्या होता है, समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक। और डू विथ क्या होता है बच्चों, बियर, टू बियर, सहन करना, टू बियर, है ना। डू विथ क्या होता है बच्चों, टू बियर या टू, या मैनेज विथ, मैनेज विथ, ये। डू विदाउट क्या होता है बच्चों, बिना किसी के साथ के काम करना, टू मैनेज विदाउट, टू मैनेज विदाउट, ये होता है सहन करना या संबंध होना, संबंध होना, है ना। टू मैनेज विदाउट, है ना, ये बिना सहायता के, बिना सहायता के करना, है ना, कोई काम वगैरह। चलिए ठीक है बच्चों, जरा इनको एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं इनको बताऊं एग्जांपल से, आई डू विदाउट योर हेल्प, ठीक है बच्चों, आई डू विदाउट योर हेल्प। जरा इसको एग्जांपल से, द कस्टम हैज़ बीन डन अवे विथ, यानी कि जो रीति रिवाज हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, है ना। अब ज़रा इनको समझ लीजिए, सहन करने का, ज़रा सहन करने का समझ लीजिए एग्जांपल से। पहला देखिए, बियर का देख लीजिए, आई कैन नॉट डू विथ, मैं नहीं सह सकता विथ योर बैड बिहेवियर, ठीक है बच्चों, बिहेवियर। दूसरा लिखिए, अब संबंध होना का क्या हो जाएगा, आई हैव नथिंग टू डू विदाउट, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज मनी, विथ हिज मनी, यानी कि मैं बिना पैसे के कुछ भी नहीं करता, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉल, नेक्स्ट एंड और लास्ट वर्ड फॉल, देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड फॉल, फॉल इन क्या होता है बच्चों, फॉल इन, नोट करते रहिए, फॉल अपॉन और फॉल थ्रू, ये जरा इनका मतलब समझिए। इनका मतलब समझिए ज़रा,
फॉल इन फॉल ऑफ फॉल थ्रू का मतलब समझ लीजिए। फॉल इन क्या होता है बच्चों? स्टैंड इन लाइन, स्टैंड इन लाइन क्या होता है? पंक्ति में खड़े होना, ठीक, स्टैंड इन लाइन, पंक्ति में खड़े होना। फॉल ऑफ क्या होता है भाई? टू डिक्रीज, टू डिक्रीज कम होना, कम होना। पत्ते गिरना है ना, फॉल ऑफ भी पत्ते भी गिरना, बाल का झड़ना, ये सब होता है फॉल ऑफ ही होता है भाई। फॉल आउट देखिए जरा, फॉल आउट क्या होता है? टू काज या टू क्वेरल, टू क्वेरल, टू क्वेरल झगड़ा करना, झगड़ा करना, ठीक। और फॉल अपान क्या होता है भाई? टू अटैक, टू अटैक आक्रमण करना, आक्रमण करना, ठीक। और फॉल थ्रू क्या होता है? फॉल थ्रू असफल होना, क्या होता है भाई? टू फेल जिसको कहते हैं, टू फेल असफल होना, असफल होना, ठीक है बच्चों। नोट करिए इनको, कोई कन्फ्यूजन हो तो इसमें बताइए ज़रा, ज़रा इनको हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, इनको एग्जाम्पल्स फॉल इन, जैसे हम इसको कह दें फॉल इन कॉमे नेटेड कॉमे में, सेड द टीचर, सेड द टीचर यानी कि अध्यापक ने कहा पंक्ति में खड़े हो। फॉल ऑफ कम होना, देखिए एग्जांपल इसका, हिज फॉलोअर्स, देखिए भाई हिज फॉलोअर्स, हिज फॉलोअर्स उसके जो फॉलोअर्स थे, फेल ऑफ, फेल ऑफ वन बाई वन है ना, वन बाई वन उसके जो फॉलोअर्स थे एक एक करके कम हो रहे थे। फॉल आउट झगड़ा करना, इनका एग्जांपल से देखिए, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स शुड, शुड नेवर, फ्रेंड शुड नेवर फॉल आउट, फॉल आउट यानी कि मित्र कभी झगड़ा, मित्रों को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और फॉल अपान क्या होता है भाई? अटैक करना, क्या होता है? अटैक करना, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। दे, दे फेल अपान, दे फेल अपान दियर इनमीज, दियर इनमीज, दियर इनमीज एट नाइट, कब? एट नाइट, ठीक बच्चों। जरा फॉल थ्रू क्या होता है? असफल, असफल, इनका एग्जांपल समझ लीजिए, माई प्लान, माई प्लान फेल थ्रू, माई प्लान फेल थ्रू फॉर, फॉर वांट ऑफ
मनी। ठीक, ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का लास्ट वर्ड। और ऐसे ही वर्ड्स को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, ये मैं अगेन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वही वर्ड हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स ऑफ एसएससी में देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना हम एन सारे वर्डों को एक जगह पर लिख करके इनको दो तीन चार बार अच्छे से रिवाइज करें, जो हमसे एग्ज़ाम में भूल होती है वो भूल ना होने पाए। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ये तो अभी हमारा, इसके पहले मैंने बच्चों होमोनिम्स, होमोफोन्स और कन्फ्यूजल वर्ड का वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास पे है। वहाँ पे जा कर के उनको एक एक वर्ड को नोट करिए और अच्छे से उनको नोट्स करिए, नोट में बनाइए। और ये हमारा फेजल वर्ग का है जो प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे गए हैं। इसी प्रकार बच्चों, फिर अब जैसे फ्रेजल वर्ग ख़त्म होगा, मैं आऊँगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में, जो ईयर वाइज लेकर के जितने भी हमारे एग्ज़ाम में हुए हैं एसएससी में, उनको हम ईयर वाइज एक जगह पर एक या दो वीडियो में पर ईयर का वीडियोस बना करके आपको देंगे। तो ठीक है बच्चों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो से बने रहें, और जो भी कुछ इम्प्रूव करना है हमें, या जो भी कुछ लगे आपको कि और ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।